गाइस आप देख रहे हो एकमात्र इंडिया का एंट्री मैचेस दिखाने वाला चैनल डेनिश क्रिकेट उत्तराखंड। दिमाग आएगा क्रैक, मोस्टा बड़े बैग नीचे ले रे जैग जैग मरे ड्रैग छोरे सारे बैग देख मरा स्वैग छोरी अट्रैक्ट आगे छोरे बैडी आगे छोरे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से खेलना और जैसे अभी तक मेहनत करके आप लोग यहाँ पहुँचे हो और ऐसे ही गेम स्पीड के साथ खेलना, फाइट आपस में नहीं करनी है, गेम में फाइट करनी है, ठीक है भैया? गुड लक दोनों टीमों को और सिक्का हवा में और जमीन पे गिरता हुआ हेड कॉल और हेड और मलिक स्पार्टन के कैप्टन टॉस जीतते हुए देखते हैं क्या डिसीजन लेंगे और बैटिंग करना चाहेंगे टॉस जीत के मलिक स्पार्टन के कैप्टन। और ये बहुत बड़ा बीपीएल टूर्नामेंट सीजन 2 का फाइनल मुकाबला कनिका 11 वर्सेस मलिक स्पार्टन के बीच। सुभान भाई, जाकिर भाई यहाँ सब लोग मौजूद चिल्ला दो चिल्ला दो चिल्ला दो चिल्ला दो चिल्ला दो अल्लाह कर दो और ये फाइनल मैच बीपीएल टूर्नामेंट 2022 का कनिका 11 वर्सेस मलिक स्पार्टन के बीच चलता हुआ, ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ दर्शकों से, स्क्रीन लगी हुई है और ये देखिए यहाँ पे ट्रॉफी का एरिया और स्क्रीन पर संस्कार भाई हमारे कीपरिंग करते हुए। मलिक स्पार्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, 12 ओवर का ये मैच, तो भाई बहुत बड़ा मैच, उत्तराखंड का सबसे अच्छा टेनिस बॉल का नाइट टूर्नामेंट रामगढ़ भगत सिंह कॉलोनी देहरादून में चलता हुआ। धन्यवाद करना चाहूंगा शुभान शेख जाकिर भाई अंसारी का जो इतना अच्छा टूर्नामेंट पूरे सेफली चला रहे हैं। मैच स्टार्ट होता हुआ गोल्डी बैटिंग पे नॉन स्ट्राइक एंड पे हाजिर, 12 ओवर का ये मैच, पहला ओवर लेके प्रिंस ऑफ देहरादून राहुल वर्मा पोपे भैया, 4 ओवर का पावर प्ले और जो ये बैट्समैन और बॉलर है दोनों ही मेहनत सीरीज की होड में, पहली गेंद बीपीएल टूर्नामेंट की और पहली गेंद पर धमाकेदार चौका आता हुआ और हल्ला हल्ला यहाँ पर हुटिंग स्टार्ट शुरू से ही होती हुई। बहुत बड़ा ये मैच, बहुत बड़ा मुकाबला। दूसरी बॉल मैच की अच्छी गेंद डिफेंसिव
शॉट और डॉट बॉल आती हुई तीसरी बॉल और यॉर्क बॉल कीपिंग करते हुए यहाँ पर संस्कार और तीसरी गेंद खाली आती हुई भाई पहली गेंद पे चौका आने के बाद वापसी करते हुए यहाँ पर पोपे भैया अगली बॉल और अच्छी गेंद कट कर दिया बॉल जाती हुई पीछे एक रन के लिए भाई अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों ही साइड से अगली बॉल और अच्छा डिफेंस एक और अच्छी गेंद आखिरी गेंद आएगी अब ओवर की गोल्ड स्ट्राइक पे मैन ऑफ द सीरीज की दावेदारी में पोबे भैया के साथ ये खड़े हुए हैं दो ही दावेदार है इस भगत सिंह प्रीमियर लीग सीजन 2 के टूर्नामेंट में आखिरी गेंद देखना होगा क्या होता है किस पे और शॉट हवा में और फील्डर के ऊपर से शुभम बत्तक के ऊपर से और रन पूरे 6 भाई तगड़ी शॉट और क्राउड आज बहुत ज्यादा कम से कम 2 से 3 हजार लोग ग्राउंड में मौजूद सामने का एरिया जंगल है और जंगल में चारों दिशाओं में आपको दर्शक दिखाई दे रहे होंगे हर दिशा में दर्शक हर दिशा में क्राउड उमड़ा हुआ इस फाइनल को देखने के लिए दूसरा ओवर लेके अरशद भाई बैटिंग पे राजीव लेफ्टी बैट्समैन और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल दूसरी गेंद कटर बॉल अच्छी गेंद अरशद भाई इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर लेजेंड प्लेयर और डॉट बॉल करते हुए तीसरी बॉल लेके अरशद भाई मारने की कोशिश अच्छी गेंद कटर बॉल डॉट बॉल राजीव आते ही सार बल्ला चलाना चाहते हैं और अभी तक इनके बैट से संपर्क नहीं हुआ है बॉल का अगली बॉल अरशद भाई की काफी अच्छी गेंदबाजी अगेन हवा में और मौत वहां मौजूद शैलेश मौत पहला झटका क्राउड देखिए आप फिर से हल्ला करता हुआ अब बैटिंग करने आते हुए मेजर फ्रॉम लक्सर बहुत बड़ा नाम पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में डिमांडिंग प्लेयर थे और अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड बैकबोन कहे जाते हैं देखते हैं कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आखिरी गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद पैरों से सॉरी बल्ले से जाके एक रन मिलता हुआ और ओवर की समाप्ति बहुत अच्छा ओवर यहां पर अरशद भाई का केवल एक रन खर्च ओवर 12 रन और फिर से अगला ओवर लेके पावर प्ले का प्रिंस ऑफ देहरादून पहली बॉल और मारने की कोशिश और एक रन आता हुआ केवल अच्छी बैटिंग करते हुए अच्छे फ्लो में दिख रहे हैं यहाँ पर गोल्डी दूसरी बॉल तीसरे ओवर की अच्छी गेंद बॉडी से जा लगी और एक रन आता हुआ अच्छी फील्डिंग वहां पर उनियाल की स्ट्राइक पे लक्सर वर्सेस देहरादून छोटी गेंद तगड़ी गेंद डॉट बॉल यहां पर गेंद तीसरे ओवर की लेंथ बॉल और मारने की कोशिश फिर से पीछे चली गई रन मिलेगा एक पोपे भैया विकेट के लिए जा रहे थे और ओवर की अच्छे ओवर की समाप्ति बहुत अच्छा कटता हुआ अभी तक कनिका स्पार्टन के लिए पावर प्ले 3 ओवर 16 रन और अगला ओवर लेके प्रमुख गेंदबाज कनिका 11 के उनियाल बैटिंग पे गोल्डी और छोटी बॉल और बना दी उसे पूरी खोटी रन 6 कैरम बॉल डालने की कोशिश हाथ खुले नहीं थे और छक्का था और पावर प्ले का आखिरी ओवर चौथा ओवर अच्छी बैटिंग करते हुए गोल्डी अभी तक रोकना होगा इनकी बल्लेबाजी को बॉलिंग साइड को देखते हैं दूसरी गेंद पर क्या होता है कैरम बॉल अच्छी गेंद डॉट बॉल अगली बॉल और अच्छी कैरम बॉल जाते हुए वहां पर और एक रन मिलेगा पीछे का और संस्कार को हटाकर पोपे भाई करते हुए कीपिंग क्लोज और फिर से मारने की कोशिश बहुत अच्छा शॉट बट चले गया पीछे और रन मिलेगा केवल एक और ये अगली बॉल और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस मैच में कुछ ना कुछ होने वाला है इस बॉल पे कुछ ना कुछ और फिर से डॉट बॉल अगली बॉल फिर से अच्छी गेंद डॉट बॉल अगर निकल के नहीं कर रहे हैं तो फंस जा रहे हैं शायद गोल्डी और ओवर की समाप्त ओवर 25 रन अगला ओवर लेके चौधरी जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मैच में करी थी जादुई गेंदबाजी 2 ओवर में 4 रन देखे 2 विकेट झटके थे अच्छी गेंद सिंगल लेने की कोशिश और चुरा लिया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज विकेट के बीच बहुत तेज कीपर क्लोज और अगली गेंद अच्छी गेंद डीपर बॉल चौधरी की अच्छी गेंदबाजी संस्कार के हाथ में जाती हुई बॉल अच्छी एक और गेंद अगली बॉल और फिर से मारने की कोशिश अच्छी बॉलिंग चौधरी की विकेट के पीछे से अपना काम करवाते हुए पोपे भैया कीपिंग करते नहीं है जल्दी से और ऐसी सिचुएशन में आते हुए और अपनी बढ़िया चौधरी गेम चलवाते हुए अगली गेंद डायरेक्ट बॉल उसे पीछे मारने की कोशिश और देखना होगा दो रन आसानी से आ जाएंगे इस गेंद पर और फेवरेट लग चुकी है इस मैच में कनिका 11
मारने कोशिश हवा में गेंद, पोपे भैया जाते हुए और उनियाल पहले पहुंचे और आसान कैच, और ये चौधरी और पोपे भैया आपस में बातचीत करते हुए और बैटिंग करने आते हुए कैफ। अगली बॉल, अच्छी गेंद, चौधरी की आवाज, अपील यहाँ पर देखना होगा, दोनों ही एम्पायर बातचीत करते हुए देखना होगा क्या होता है, देखना होगा। एक एम्पायर शायद इंटरेस्टेड, अमन वहाँ पर जाते हुए 5 ओवर 27 रन। अगला ओवर लेके उनियाल बैटिंग पे मेजर, छोटी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर चौधरी की, बट एक रन नहीं बचा पाए। एक अगली बॉल, अगली गेंद उनियाल की कैफ बैटिंग, बहुत तगड़ी बॉल यार, तगड़ी बॉल लेग स्टंप के बाहर से घुमाई बहुत ही ज्यादा, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी उनियाल की। अगली बॉल, उनियाल इस टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज, फिर से कटर बॉल पैरों पे जा लगी, शॉट पे खड़े हैं यहाँ पर चौधरी, और एक और डॉट बॉल। अगली बॉल, अगली गेंद, अच्छी गेंद यार, व्हाट अ बॉल, जादुई बॉलिंग यहाँ पर उनियाल करते हुए, जादुई बॉलिंग लेफ्टी को, बहुत अच्छी गेंदबाज कैफ, अच्छे बैट्समैन है फ्रॉम रुड़की, पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती हुई। अगली बॉल कमेटी की ओर से फिर से एक और अच्छी गेंद, और चकमा देकर निकल गई यहाँ पर संस्कार को। अगली गेंद मैच में चढ़ती हुई यहाँ पर कनिका 11, छोटी गेंद एकदम फिर से घुमाई, कोई संपर्क नहीं बैठा, सॉरी ओवर की समाप्ति, एक और जादुई ओवर, केवल एक रन आया इस ओवर से, सॉरी दो। देखिए सेटअप बहुत ही अच्छा है यहाँ पर स्टार नाइट के, जो एडमिन है नदीम भाई, उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया है इस फाइनल मैच के लिए, बहुत अच्छा सेटअप, सभी लोगों को पसंद आता हुआ भाई, तो कभी भी किसी भी चीज की डीजे साउंड सिस्टम से लेके किसी भी चीज की हो जरूरत, नदीम भाई से कॉन्टेक्ट करें, अगर आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। और 29 रन होता हुआ स्कोर, अगला ओवर लेके चौधरी फिर से सिंगल चुराने की कोशिश, अरशद भाई की अच्छी फील्डिंग हो सकती थी बट हाथ में आई नहीं बॉल, डॉट बॉल। बैटिंग करने आते हुए कैफ, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, ओके, और ये तगड़ी बॉल, उल्टी बॉल कर दी, चकमा दे दिया यहाँ पर, चकमा दे दिया बल्लेबाज को लगा ये वाइड बॉल है बट ऐसा कुछ भी नहीं। बॉल चुन्नू बजरंगी कनिका 11 के मेंटर खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा, और फिर से बल्ला घुमाया बॉल पर आते हुए उनियाल, और मिलेगा रन केवल एक, बड़े स्कोर की तरफ जाना होगा यहाँ पर मेजर और कैफ को। ओवर चलता हुआ मेजर वर्सेस चौधरी, ऋषिकेश वर्सेस लक्सर की जंग, और अच्छा कट कर दिया उनियाल को, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इस बॉल को रोकने का, एक रन आता हुआ केवल। अगली बॉल, अगली गेंद और ये और मारने की कोशिश, मौजूद शुभम बत्तक वहां पर मौजूद, बड़ी मछली जाल में, चौधरी की अच्छी गेंदबाजी और विकेट चक लिया यहां पर मेजर का। बॉल बैटिंग करने आते हुए गुल्लू बॉलिंग पे चौधरी, और कटर बॉल अच्छी गेंदबाजी, कुछ नहीं समझ में आता, और चौधरी का एक और जादुई ओवर, दो रन एक रन के ओवर कर रहे हैं यहाँ पर, एक और ओवर की समाप्ति। और ये जाते हुए चीफ गेस्ट और दोनों ही कमेटी के मेंबर सुभान भाई और जाकिर भाई, जिन्होंने टूर्नामेंट कराया है, और ये जाते हुए यहाँ पर चीफ गेस्ट लोग जाते हुए 7 ओवर 34 रन। अगला ओवर उनियाल का आखिरी ओवर, और तगड़ा यॉर्कर, डिपर बॉल और डॉट बॉल, कैफ बिल्कुल ही बंधे हुए हैं उनियाल की गेंदबाजी के आगे। अगली गेंद डिपर बॉल मारने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद बत्तक, शुभम बत्तक, बहुत अच्छे टीम के प्लेयर और अपनी फील्डिंग में अपना काम करते हुए। रोमांच बढ़ता हुआ मैच का, क्राउड बहुत हल्ला करता हुआ, डायरेक्ट बॉल हवा में गेंद, आसिफ खान वहां पर मौजूद और आसान कैच, एक और विकेट चकली कनिका 11 फेवरेट, एक तरफा चलता हुआ अभी तक मुकाबला। स्क्रीन पर यहां पर चीफ गेस्ट मौजूद जाते हुए ग्राउंड से बाहर, और एक बहुत अच्छा बम फटेगा और देखिए फट गया भाई। अगली बॉल बैटिंग करने आते हुए सैसूल, तेज गेंद उनियाल की, तेज गेंद, रन आउट का मौका और चूके यहाँ पर अरशद भाई, देखिए चीफ गेस्ट स्वागत होता हुआ दमदार, बहुत ही यहाँ पर बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट, मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा टूर्नामेंट कराने वाले ऑर्गेनाइजर सुभान शेख जाकिर अंसारी का, बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट। और ये देखिए वहाँ पर मौजूद और हमारी स्क्रीन पर आते हुए, और ये लाइव टेलीकास्ट में, और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर। अगली बॉल उनियाल की, देखते हैं क्या होता है, कैरम बॉल, बिल्कुल भी समझ नहीं आती हुई, एक तरफा होता हुआ ये मुकाबला अभी तक दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। अगली बॉल और अच्छी गेंद, हवा में गेंद और दूर रह गया यहाँ पर चौधरी, एक रन आता हुआ केवल। ओवर 36 रन, आखिरी ओवर चौधरी का, फिर से और शॉट हवा में वहां पर मौजूद, मौत मौजूद और
चक लिया भाई, एक और विकेट आशीष चौधरी। बहुत तगड़े गेंदबाज बनते हुए नजर आ रहे इस मैच में, पिछले मैच में, हर मैच में। बॉल बैटिंग करने आते हुए रितेश और मारने की कोशिश, पहली गेंद पर आगे बढ़ के ताबड़तोड़ बहुत लंबा छक्का भाई। पिछले मैच में भी इन्होंने काया पलट करी थी, इस मैच में भी अच्छी बैटिंग करते हुए। अगली बॉल उल्टी बॉल एक बार फिर से अच्छी बॉल, ये लेफ्टी को भी बॉल करना जानते हैं। अगली बॉल उल्टी बॉल आएगी ये, और ये देखिए वही करते हुए, इतनी प्रिडिक्शन हम भी बाहर से लगा सकते हैं कैमरे के पीछे से, और डॉट बॉल अगेन। और प्रगति पर इसके बाद तीन ओवर का खेल, दो ओवर का खेल से, और डिपल बॉल और उनियाल के हाथ में गेंद, अच्छी बॉल, डॉट बॉल। क्राउड का हल्ला देखिए, क्राउड का हल्ला आप देख सकते हैं। अगली बॉल तेज गेंद मारने की कोशिश, और ये जाती हुई पीछे की तरफ, और एक रन आता 44 रन, और तीन ओवर का खेल शेष, और आप गेंदबाजी करने आते हुए पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में। गोलू सिंह, तेज गेंद, सामने का शॉट, फील्डर आसिफ खान, गोलू सिंह ने पहली गेंद पर विकेट चक लिया भाई, विकेट चक लिया, और पोपे भैया काफी खुश होते हुए इनकी बॉलिंग से। तेज गेंद बैटिंग करने आते हुए तरन, और बॉलिंग पे गोलू सिंह, और एक और मौका बनाया था इन्होंने, पोपे भैया के ऊपर से निकल गई, और एक रन आता केवल। बॉल और आउट, बट नो बॉल, पैर की नो, अच्छी गेंदबाजी थी गोलू सिंह की, बट पैर की आती हुई नो बॉल। फ्रीड गेंद तरंग वर्सेस गोलू सिंह, और अच्छी गेंद, तेज गेंद, और पोपे भैया की मिस फील्ड, और एक रन आता हुआ एक्स्ट्रा का। अगली बॉल और बहुत अलग तरीके की फील्डिंग, विकेट के बिल्कुल पीछे उनियाल खड़े, और हवा में गेंद, पोपे भैया वहां मौजूद, आसान कैच, गोलू सिंह ने एक और विकेट चक ली भाई, स्लोअर किंग रफ्तार के सौदागर गोलू सिंह। बैटिंग करने आते हुए इस्लाम, जो कि इस टीम के कैप्टन भी है, और अगली बॉल गोलू सिंह की, अच्छी गेंदबाजी करते हुए तक, और शॉट, फील्डर, और ऊंचा, और बाउंड्री के बाहर, एक और बाउंड्री आती हुई, मैच खुलता हुआ, 50 से ऊपर जाता हुआ स्कोर। अगली गेंद, तेज गेंद, अच्छी गेंद, और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, भागते हुए वहां पर नॉडी, देखना होगा कितने रन मिलते हैं, और 2 रन मिल जाएंगे भाई। ओवर 56 रन, आखिरी 2 ओवर बॉलिंग करने आते हुए आसिफ खान, जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, और बैटिंग पे कैफ, जो कि बहुत देर से क्रीज पर खड़े हुए हैं। अगली बॉल डायरेक्ट बॉल, और बहुत लंबा छक्का, आज के मैच का सबसे लंबा छक्का आता हुआ पहली बॉल पर 11 ओवर की। अगली बॉल कटर बॉल, फिर से देखना होगा, और ऊपर से निकल गई, और मैच खुलता हुआ। आसिफ की थोड़ी खराब गेंदबाजी, फायदा उठाते हुए कैफ, जिनका बल्ला बहुत देर से शांत था। अगली बॉल अच्छी गेंद, तेज गेंद, कटर के साथ डॉट बॉल। अगली बॉल और अच्छी डॉट बॉल, और अगली बॉल और अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, आसिफ वापसी कर। आखिरी गेंद 11वें ओवर की, सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी गेंद, देखना हो क्या होता है। कैरम बॉल, और सॉरी कटर बॉल थी, और डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। अगली बॉल लेके गोलू सिंह, तेज गेंद, यॉर्क बॉल, बॉन्ड की तरफ जाती हुई, वहां पर मौजूद नॉडी, और इस ओवर से पहले का स्कोर था 11 ओवर 69 रन। अगली गेंद गोलू सिंह की, कैफ को की 2 छक्के मारकर खेलते हुए, तेज गेंद, तगड़ा शॉट, बहुत अच्छी गेंद थी, पर उतना ही लंबा छक्का, ताबड़तोड़ छक्का, ले भैये ओम को, और हल्ला बढ़ता हुआ भाई, क्राउड होते हुए पागल, आप देख सकते हैं स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन होते हुए। अगली बॉल तेज गेंद और मारने की कोशिश, और गोलू सिंह ने कोई रिस्क नहीं, कोई रन नहीं देने जाते, डॉट बॉल आती, पोपे भाई जाते हुए अब समझाने, और अगली बॉल पर विकेट चक लिया गोलू सिंह ने एक और, सॉरी चीफ गेस्ट यहाँ पर सुभान भाई, जाकिर भाई, तीनों भाई बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाते हुए, बहुत अच्छा काम करते हुए, क्रिकेट को जिंदा रखते हुए यहाँ पर देहरादून में। अगली गेंद स्लोअर बॉल, थक दिया बिल्कुल, यहाँ पर एक रन लेने की कोशिश, और एक रन चुरा लेंगे यहाँ पर आसानी से। 80 रन होते हुए आखिरी गेंद स्लोअर बॉल, अगेन डॉट बॉल, और रन आउट यहाँ पर आखिरी गेंद पर, और ओवर की समाप्ति, 81 रनों का टारगेट 12 ओवर में। सेकंड इनिंग होती हुई स्टार्ट, शैलेश मौत और गौरव ने की बैटिंग पे, बॉलिंग पे पहला ओवर लेके गोल्डी, 4 ओवर का पावर प्ले, 81 रनों का टारगेट 12 ओवर में। देखना होगा क्या होगा इस मैच का हाल, बहुत तगड़ा ये टूर्नामेंट। मैं धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूंगा जाकिर अंसारी, सुभान अंसारी और वसीम अंसारी भाई जी का, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया, और शायद ये आखिरी टूर्नामेंट होगा क्योंकि इसके बाद एक ग्राउंड बढ़ जाएगा। पहली बॉल गोल्डी वर्सेस शैलेश,
और छोटी गेंद मार दी बाउंड्री की तरफ जाती हुई, देखना होगा कितने रन मिलते हैं इस गेंद पर। और एम्पायर का इशारा अभी भी आना बाकी, और 4 रन पहली गेंद पर मैच खुलता हुआ। शैलेश जो कि मौत के नाम से जाने जाते हैं, उनका बल्ला बड़े मैच में हमेशा चलता है, देखना होगा इस बार कितने रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरी बॉल, शॉट, रन 4 भाई। दूसरी गेंद पर ही आता हुआ चौका, इससे पहले की गेंद थी वाइड, 2 गेंद पर 9 रन बनाकर खेलते हुए यहाँ पर शैलेश। अगली बॉल और पीछे की तरफ खेल दिया। अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर शैलेश जोशी। अगली बॉल, एक और धमाकेदार शॉट, ताबड़तोड़ शुरुआत ऑफ स्टंप पर, पावर प्ले को भेद के एकदम चौका आता हुआ शैलेश मौत के बल्ले से। आती सी बल्लेबाजी, आते ही सार, 3 गेंद 4 गेंदों पर 3 चौके मार कर खेलते हुए यहाँ पर पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल। अगली बॉल, अगली गेंद, और फिर से मार दिया पीछे की तरफ, एक और रन मिलता हुआ, काफी महंगा ओवर होता हुआ साबित गोल्डी का। आखिरी गेंद, अच्छा डिफेंस, सेंसिबल क्रिकेट और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 15 रन, लॉस ऑफ 0 पे आते हुए गौरव नेगी, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। बॉलिंग पे कैफ, शॉट, दोनों ही बल्लेबाज सहवाग की तरह बैटिंग करते हुए, वीरेंद्र सहवाग जैसे आते ही सार बल्लेबाजी करते थे, वैसे ही यहाँ पर बाउंड्री लगाते हुए गौरव नेगी, बड़कोट की आन बान शान, प्रोफेशनल क्रिकेटर लेदर बॉल के। अगली बॉल, अगली गेंद, छोटी कट करने की कोशिश और वहां पर फील्डर मौजूद और डॉट बॉल। अगली बॉल, अगली, और ये बड़ा झटका, गौरव नेगी हिट करने की कोशिश में आउट हो गए भाई। अब बैटिंग करने आते हुए प्रिंस ऑफ देहरादून राहुल वर्मा पोवे भैया, इतना बड़ा नाम देहरादून क्रिकेट का कि स्क्रीन जो आपके सामने मौजूद है इस पर भी उनका नाम आ रहा है कि राहुल वर्मा प्रिंस ऑफ देहरादून, देहरादून की आन बान शान, और एक अलग लेवल पे देहरादून को रिप्रेजेंट करने वाले राहुल पोपा। अगली बॉल फेस करेंगे राहुल वर्मा, और अच्छी गेंद और कट कर दिया उसे फील्डर के हाथ में गेंद। अगली बॉल, और देखना होगा, और ले भैये देखना होगा कहां गया ये बॉल, और देखना होगा भाई। अगली बॉल, रोशनी का प्रकाश, और अच्छी गेंद, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, और 22 रन। विकेट के पीछे गुल्लू बॉलिंग करने आते हुए मन्नी, सामना करेंगे शैलेश, पावर प्ले चलता हुआ अभी भी, शॉट, मिस फील्ड, एक और चौका आता हुआ, 14 छक्का, चौका निकलता हुआ शैलेश मौत के बल्ले से, बल्ला था सेमीफाइनल तक शांत, और अब आती सी बल्लेबाजी इनके बल्ले से। अगली बॉल, अगली गेंद, शॉट, देखना होगा फील्डर वहां मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, रन आता हुआ केवल एक, साहिल थे वहां पे फील्डर। अगली बॉल, पोबे भैया बैटिंग पे, शॉट ऑफ स्टंप के बाहर थे, पॉइंट के ऊपर से उठा के मार दिया, देखना होगा फील्डर भागते हुए, रन पूरे चार भाई, एक और अच्छा चौका आता हुआ यहाँ पर पोबे भैया के बल्ले से। अगली बॉल बम पटाके फटते हुए हवा में, ऊंचा हवा में गेंद, और विकेट चख लिया पोबे भैया का, थोड़ी खराब शॉट हवा में रह गई, और ये देखिए वहां पर, और बैटिंग करने आते हुए अर्शद भाई, अच्छा डिफेंस, 1 रन लेने की कोशिश और 1 रन चुरा लिया भाई, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अर्शद भाई और शैलेश मौत की। अगली बॉल, मौत बैटिंग पे, बॉलिंग पे, और खराब शॉट, और एक और झटका लगता हुआ, बनाया मैच खराब करते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, और आउट होकर जाते हुए पवेलियन, मैच फंसता हुआ और दुख होता हुआ, क्राउड पागल होता हुआ भाई, ये देख सकते हो। और 32 रन और 3 विकेट डग आउट में अर्शद भाई और सचिन नौडी बैटिंग पे, अच्छा डिफेंस, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। अगली बॉल, और एक और अपील, देखना होगा और आउट करार वहां पर एम्पायर द्वारा, हल्ला बोल पब्लिक, और मैच घूमता हुआ बैटिंग करने आते हुए संस्कार, मैच फंसता हुआ, 50-50 लगता हुआ ये मैच, फाइनल के हिसाब से चलता हुआ, और अच्छी गेंदबाजी कैफ की, 2 बड़े झटके लेते हुए। और अगली बॉल पावर प्ले का आखिरी ओवर, अच्छा डिफेंस, शॉट बॉल, 3 बॉलें खाली आती हुई, ओवर सकते हो, आतिशबाजी, हुटिंग बहुत ज्यादा, और इसे वेल लेफ्ट बोल्ड होने से भी बचे जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन बॉलर के और कीपर के साथ। आखिरी मैच, आखिरी बॉल, शॉट, रन, देखना होगा रन
रन छे भाई, फिर से मैच की काया पलट। हर बॉल पर, हर विकेट पर, हर छक्के पर घूमता हुआ ये मैच देने आते हुए यहाँ पर, पैसे देने आते हुए कुकड़ू और अकरम भाई संस्कार को, और जेब भरते हुए उनकी एक छक्के से ही, जानते हैं हर एक छक्के की वैल्यू। सॉरी, अब है पावर प्ले की आखिरी गेंद, शॉट ले भाई ये ओम को। आज तक अभी तक किसी ने लेफ्टी ने कवर्स का छक्का नहीं मारता संस्कार उड़ाते हुए, जिस तरीके के बल्लेबाज, तरीके की परफॉर्मेंस, और एक और नोट जेब में अकरम द्वारा 44 रन। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ फर्स्ट बस के, और बॉलिंग पे मन्नी, पावर प्ले खत्म। अच्छी गेंद कट कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर नॉडी की, और आता हुआ एक रन खाली। बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट बीपीएल प्रीमियर लीग का। अगली गेंद मन्नी की, और मारने की कोशिश, और अच्छी गेंद बॉलर की। जितनी तारीफ करी जाए इस टूर्नामेंट की कम। तीनों ही भाई सुभान अंसारी, जाकिर अंसारी और वसीम अंसारी भाई एक तरफा मेहनत करते हुए इस टूर्नामेंट में, और इसे बनाते हुए उत्तराखंड का नंबर वन टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट, और सॉरी नाम में मुझे गलती हो गई थी थोड़ी, सुभान शेख। तीनों ही भाइयों की मेहनत और साथ में कमेटी के मेंबर, बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट। अच्छा डिफेंस, एक रन लेने की कोशिश और मना किया वहां पर संस्कार ने। अगली बॉल शॉट, और साथ ही साथ में नो बॉल, देखना होगा तार पर लग गई थी ये गेंद, और रन आता हुआ केवल एक। अगली गेंद फ्री हिट बॉल शॉट, हवा में फील्डर मौजूद, बट कोई नुकसान नहीं, एक रन आता हुआ केवल। अगली बॉल नॉडी बैटिंग पे, और मारने की कोशिश, फिर से एक और झटका यहाँ पर, मैच फंसता हुआ फिर से। बड़ा जब बैटिंग करने आते हुए आसिफ खान, जिन्होंने पिछले मैच में भी लगाए थे 3 ताबड़तोड़ छक्के, और अच्छी गेंदबाजी मन्नी की। मैच फंसता हुआ हर विकेट पे, हर एक छक्के पे घूमता हुआ, और शॉट, सामने की शॉट, आते ही सार बल्ला चलाते हुए, और खराब थ्रो, और एक रन आता हुआ केवल। 5 ओवर 49 रन, 7 ओवर में 32 रनों की जरूरत आसिफ खान बैटिंग पे। ओ हवा में गेंद फील्डर वहां मौजूद, देखना होगा, आसान कैच, मैच की काया पलट हो गई यहां से। बैटिंग करने आते हुए शुभम बत्तक, और ये दो जोड़ी के बाद कैलेंडर आने शुरू हो जाएंगे, तो इन दोनों के ऊपर काफी दारोमदार 32 रनों का अंबर जैसा लक्ष्य जो अब दिखाई दे रहा है वो इनको वेदना होगा। और अच्छी गेंदबाजी बॉलिंग साइड की, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, इसे कहते हैं प्रेशर सिचुएशन में, ऐसी शॉटों पर बल्ला नहीं चलाया जाता। अगली बॉल सिंगल डबल, बहुत कम खेलते हैं, और एक और अपील, और देखना होगा एम्पायर अमन तरियाल वहां मौजूद, क्या होता है इशारा, और यहां पर एम्पायरों के बीच बातचीत चलती है। झटका, क्या आउट होते हुए यहां पर शुभम बत्तक भी, बैटिंग करने आते हुए उनियाल, और बचे क्राउड, एकदम माहौल वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा माहौल जो चलता है, ऐसे ही हुटिंग, ऐसा क्राउड यहां पर रिएक्ट करता हुआ हर एक बॉल पे। अगली बॉल, और पीछे चली गई ये गेंद, रन आता हुआ एक। अगली बॉल भाई बहुत ही तगड़ा, और मारने की कोशिश, और बॉल हो गई ये भी डॉट, और डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 52 रन, और 29 रनों की जरूरत, 36 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत, इसके बाद विकेट की बिल्कुल कमी इनकी टीम को। बॉलिंग पे मेजर, शॉट, और पीछे चले गया भाई, रन मिलेगा एक। अगली बॉल मेजर की, फिर से हुटिंग स्टार्ट, शॉट, एक और छक्का आता हुआ, फिर से मैच घूमता हुआ संस्कार के बल्ले से। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। बॉल, अच्छी गेंद अंदर आई ऑफ स्टंप के बाहर से, डॉट बॉल। अगली बॉल अच्छा डिफेंस, और एक रन आता हुआ बल्ले से स्नीक का। अगली बॉल और अच्छी गेंद मेजर की, डॉट बॉल आती हुई भाई, मैच फंसता हुआ। अगली बॉल, अगली गेंद, शॉट, फ्लैट, और एक रन आता हुआ, और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर में 20 रनों की जरूरत, 30 बॉल पे 20 रनों की जरूरत, अगला ओवर लेके मन्नी अपना आखिरी ओवर लेके, किसी तरीके से यहाँ पर विकेट। अच्छी गेंद डॉट बॉल, संस्कार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर खेलते हुए। अगली बॉल, अगली गेंद,
शॉट, एक तगड़ा छक्का भाई, ले भाई ये ओम को तगड़ा छक्का। मैच की काया एक बार फिर पलटती हुई, 14 रनों की अब जरूरत और पैसे, पैसे इनाम में संस्कार। 28 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत और फिर से मारने की कोशिश और पीछे का एक रन और साथ में आती हुई नो बॉल। एक जीवन दान का मौका और बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता हुआ, बहुत बड़ा गिफ्ट और इस समय संस्कार को जरूरत होगी शायद एक छक्का मारने की। हिट गेंद, फ्री हिट गेंद, 11 रनों की जरूरत और मार दिया पीछे और रन मिलेगा एक। अगली बॉल 10 रनों की जरूरत, अभी भी शॉट हवा में, हवा में गेंद, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद और रन छे भाई, रन छे। मैच की काया पलट कर दिया संस्कार, क्यों है इतना बड़ा बल्लेबाज देहरादून का तगड़ा लेफ्टी बैट्समैन। और फिर से पैसा, मल्ला अंदर, पैसा ही पैसा, जहां भी देखो वहां पैसा ही पैसा। 4 रनों की जरूरत, बहुत ही अच्छी जुझारू मोदी सरकार, संस्कार और सामने का शॉट, एक रन लेने की कोशिश, एक रन लेने की कोशिश और एक रन आता और 3 रनों की जरूरत। फील्डर, 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 फील्डर। और ये 6 रन, मैच खत्म कर दिया यहाँ पर, बहुत तगड़ी हुटिंग और देखिए यहाँ पर भीड़, जीती भी यहाँ पर कनिका 11। और ये देखिए संस्कार का जलवा, संस्कार का जलवा फाइनल मैच में कैसे चमका हुआ। संस्कार देहरादून का सुपरस्टार छा चुका है आज रामगढ़ के बीपीएल के इस फाइनल में, अकेले टीम लड़खड़ा रही थी, इन्होंने करी बहुत तगड़ी बल्लेबाजी। तो भैया साथ में और ये देखिए जैसे 5,000 की लड़ी और फूटती भी भाई कुंडू बजरंगी, संस्कार की बहुत अच्छी पारी।